सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। वीर बाल दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी, दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हुआ आयोजन। वीडियोकॉन ग्रुप के पूर्व सीईओ वेणुगोपाल धूत गिरफ्तार, सीबीआई ने की कार्रवाई। श्रीकृष्ण जन्मस्थान विवाद, मथुरा ईदगाह के अमीर सर्वेक्षण के आदेश पर 20 जनवरी को आपत्ति दाखिल करेगा मुस्लिम पक्ष। केंद्र का बड़ा फैसला, स्कूलों में लड़कियों को लगेंगे सर्वाइकल कैंसर के टीके। दिल्ली एनसीआर में ठंड का कहर, चुरू में 0 डिग्री पहुंचा तापमान। पाकिस्तान और चीन के लिए प्रलय को रोकना होगा मुश्किल, रक्षा मंत्रालय ने तैनाती को दी मंजूरी। पटना के अस्पतालों में कोविशील्ड कार्बोवैक्स की कमी, गिने चुने जगहों पर लग रहे हैं प्रिकॉशनरी डोज। पटना में शीतलहर का अलर्ट, 31 दिसंबर तक 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूल बंद रखने के आदेश दिए गए। गाजियाबाद में चीन समेत 6 देशों से आकर होटल में रुकने वाले की देनी होगी जानकारी, कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट। बीएसएफ ने अमृतसर जिले के राजाताल गांव में एक और ड्रोन को बनाया निशाना, जवानों ने खेतों से किया बरामद। जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर गैस सिलेंडर लेकर जा रही ट्रक में लगी आग, धमाके से 2 लोगों की मौत। हरियाणा सरकार की बोर्ड के छात्राओं के लिए अनूठी पहल, मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे से अलार्म बजाने को कहा। बिहार में कोहरे धुंध पर असर, दिल्ली समेत कई शहरों के लिए देर से पहुंची फ्लाइट्स। जजों की रिटायरमेंट एज बढ़ाने का मसला, केंद्र सरकार ने संसदीय समिति से कहा ऐसा करने से नकारा, जजों की सर्विस बढ़ेगी। कमल हासन ने छेड़ा हिंदी विवाद, कहा हिंदी को दूसरों पर थोपना मूर्खता है, इसका विरोध किया जाएगा। योगी का बड़ा बयान, अटल की रखी आधारशिला पर मोदी खड़ी कर रही भारत गौरव की बुलंद इमारत। वाराणसी में नए साल में गंगा पार टेस्ट सिटी का सपना होगा साकार, मिलेगी ये खास सुविधाएं, शुरू हुई ऑनलाइन बुकिंग। हाईवे पर फुटबॉल बनी कार, पहले ट्रक फिर तेज रफ्तार, गाड़ी ने मारी जोरदार टक्कर, सीट बेल्ट ने बचाई जान। मुख्तार अंसारी से ईडी ने पूछा सवाल, कहा कौन करता था ठेके का डील, जवाब में माफिया ने के बताए 2 गुर्गों के नाम।
ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए यूपी तैयार, मंत्री अरुण सक्सेना बोले सपा सरकार में व्यापारियों से होती थी वसूली। अलीगढ़ में एएमयू में कश्मीर और पूर्वांचल के छात्रों के बीच मारपीट, कश्मीर छात्राओं ने किया प्रदर्शन। अमरोहा में दबंग पर जमीन कब्जा करने का आरोप, पीड़ित ने सीएम से न्याय की गुहार लगाई। अमरोहा में बाल स्वयंसेवकों ने सड़कों पर निकाला पंथ संचलन, सुरक्षा के लिए मौजूद रही भारी पुलिस बल। औरैया में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, मुख्य चिकित्सक अधिकारी ने दिए निर्देश। औरैया में रेलवे प्रशासन की बड़ी लापरवाही, यात्रियों के ऊपर गिरा पेड़, हादसे में 3 यात्री बुरी तरीके से घायल। बुलंदशहर में बड़े पैमाने पर राशन की कालाबाजारी, एसडीएम ने की कार्रवाई, राशन माफियाओं में बचा हड़कंप। चंदौली में एक सप्ताह से नहीं बन रहा है एमडीएम, शिकायत के बाद भी सूद नहीं ले रहे स्थानीय अधिकारी। देवरिया में रोड नहीं बनने से नाराज जनता, वोट बहिष्कार करने की चेतावनी दी। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, वंचित गोवंश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में आरएलडी और आरएसएस आमने सामने, पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। गाजीपुर में धूमधाम से मनाया गया सुशासन दिवस, आयुष राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह मौजूद रहे। गोंडा में गोवंशों से ग्रामीण परेशान, छुट्टा गोवंशों को पकड़कर बांधा गया, वीडियो ने संज्ञान में लिया मामला। हरदोई में पूर्व प्रत्याशी से थाने में अभद्रता, वीडियो हो रहा है वायरल, भाजपाइयों में आक्रोश। रायबरेली में आर्केस्ट्रा के दौरान युवक ने की हर्ष फायरिंग, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रायबरेली में जमीन को लेकर जमकर हुआ बवाल, सदर विधायक आदित्य सिंह पर महिलाओं ने लगाया आरोप। सहारनपुर में चोरों के हौसले बुलंद, चोरों ने घरों की चाबी बनाने के बहाने की चोरी। औरैया में मामूली विवाद के चलते बीच सड़क पर हंगामा, दबंगों ने युवक की बेरहमी से पिटाई की, पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। बुलंदशहर में शाही जामा मस्जिद के इमाम का तालिबानी फरमान, मुस्लिम शादी में डीजे नहीं बजेगा तो नहीं पढ़ाएंगे निकाह। बुलंदशहर में ट्रैक्टर और पिकअप गाड़ी की जोरदार भिड़ंत, हादसे में 1 की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। कानपुर में सड़क किनारे बनी झोपड़ी में लगी भीषण आग, झोपड़ी में भीषण आग लगने से हड़कंप, दमकल विभाग ने किया आग पर बुझाने का काम।
कानपुर में सूतरखाना रोड स्थित लखनऊ फाटक के पास लगी भीषण आग, आग लगने से मचा अफरी तफरी। कानपुर में एसआई गर्वित त्यागी पर लगे बड़े गंभीर आरोप, पैरवी करने कर पहुंचे दरोगा को लेकर जमकर पीटा, दरोगा की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। लखीमपुर खीरी में घर पर दबिश देने गए थे पुलिस से हाथापाई के बाद युवक की मौत, घटना के बाद लोगों में पुलिस के खिलाफ दिखा आक्रोश। लखनऊ में सोनार से हुई लूट का खुलासा, 13 दिसंबर को गुडम्बा इलाके में हुई थी लूट, चार लुटेरे पुलिस के गिरफ्त में, लूट के बाद फायरिंग करते बदमाश हुए थे फरार। लखनऊ में 6 दिन पहले लापता हुआ युवक का शव बरामद, गुसाईगंज के इंदिरा नहर में मिला युवक का शव, शिकायत के बाद पुलिस कर रही थी तलाश। लखनऊ में एलडीए का कर्मचारी, भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मचारी की मिली भगत से चल रहा अवैध निर्माण। उन्नाव में कोविड पॉजिटिव मिला युवक, दुबई जाने से पहले युवक ने लखनऊ में कराई जांच, पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर मचा हड़कंप। चंदौली में मां की ममता हुई कलंकित, कलयुगी मां ने नवजात को खेत में फेंका, खेत में मिला नवजात शिशु का शव। मेरठ में न्यू ईयर को लेकर प्रशासन का एक्शन प्लान तैयार, मॉल मंडपों और रिसोर्ट के लिए जारी की गई एडवाइजरी। श्रावस्ती में सरयू नहर के माइनर में देर रात आया उफान, माइनर के ओवरफ्लो होने से सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल जलमग्न। देश में कोरोना के नए वेरिएंट की दस्तक, लेकिन देहरादून एयरपोर्ट पर नहीं हुई शुरू जांच। क्रिसमस पर देहरादून में उमड़ी भारी भीड़, बंद करवाना पड़ा मॉल, यातायात पुलिस ने इंटरनेट मीडिया पर की अपील। चारधाम हिमपात से बढ़ी कंपकंपी, मैदानों में छाए कोहरा, कोल्ड डे का ऑरेंज अलर्ट। गढ़वाल वीवी के अनदेखी से बीएड कक्षाएं बंद होने की नौबत, कई कॉलेज मात्र 8 से 12 सीटें पर ही प्रवेश। एमकेपी में अभावी ने उठाई चुनाव रद्द करने की मांग, परिणाम को लेकर हुआ था हंगामा। मुख्यमंत्री धामी ने सुशासन दिवस पर कार्मिकों को किया सम्मानित, सराहनीय कार्य करने वाले को मिला इनाम। रुड़की में फेसबुक स्टेटस को लेकर बीच सड़क पर लड़की को लाठी डंडों से पीटा, मामले में चार युवतियां गिरफ्तार। उत्तराखंड के हिल स्टेशन पर भूधसाव का खतरा, 500 घरों में पड़ी दरार, अब इसका उपचार कराएगी राज्य सरकार। धर्मांतरण के विरोध में सड़कों पर उतरे व्यापारी, पुरोला में बाजार बंद कर किया धरना प्रदर्शन। नैनीताल में हाईकोर्ट में बिना मास्क लगाए प्रवेश पर रोक, अधिसूचना जारी। पाकिस्तान में अमेरिकी दूतावास ने कर्मचारियों को किया अलर्ट, मैरिटल होटल में ना जाए, हो सकता है बड़ा हमला।
नेपाल के नए प्रधानमंत्री होंगे पुष्प कमल दहल, प्रचंड केपी ओली के समर्थन में से रास्ता हुआ साफ। पाक में महंगाई से हाहाकार, आटा 150 रुपए किलो, आवाम को 2 जून की रोटी भी अब मुश्किल। अमेरिका में बर्फीली तूफान का कहर, कई राज्यों में 45 डिग्री सेल्सियस तक गिरा पारा, न्यूयॉर्क में इमरजेंसी घोषित। चीन में कोरोना से हाहाकार, 10 लाख मौतों की आशंका, कोविड-19 को फ्लू मार रहा ड्रैगन, आंकड़े जारी करने पर लगाया बैन। किसी एनजीओ में काम नहीं कर सकेंगी महिलाएं, तालिबान ने लगाया प्रतिबंध, तालिबान ने लगाया प्रतिबंध। पंजाब के मुख्यमंत्री 11 जनवरी से पहले लेंगे विश्वास मत, पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने किया ऐलान। तनाव के बीच चीन के विदेश मंत्री ने भारत के साथ काम करने की इच्छा जताई, कहा दोनों देशों के बीच संपर्क बरकरार। दुनिया में कोरोना का खतरा, कोविड-19 को फ्लू मार रही है चीन सरकार, लोगों से कहा पारंपरिक चीनी दवाएं खाएं। चीन ने ताइवान में घुसकर किया युद्धाभ्यास, 71 लड़ाकू विमान भेजकर चीनी सेना बोली ये अमेरिका के भड़कावे पर हमारा जवाब। हजार में निवेशकों के पोर्टफोलियो में छाए रहे सरकारी बैंकों के शेयर, 25 से लेकर 130% तक का दिया रिटर्न। LIC जल्द कर सकती है अपनी प्लानिंग में बदलाव, बीमा कानून से इसके संशोधन के बाद ये कंपनी की रणनीति होगी। दिन बंद रहेंगे बैंक, गणतंत्र दिवस और नववर्ष समारोह में जैसे कई फेस्टिवल पर रहेंगे बैंक बंद। शेयर बाजार में निचले स्तर पर खरीदारी, सेंसेक्स करीब 400 अंक मजबूत हुआ, टाटा मोटर्स SBI के शेयरों में 2% की तेजी। मेटा पर भारी पड़ी उसी की 6 फैसले, फेसबुक का नाम बदला है, होराइज़न वर्ल्ड भी नहीं चला, एक फैसले से तो गवा दिए 19.5 लाख करोड़ रुपए। एक जनवरी से व्यापारी करेंगे आंदोलन, GST और ई कॉमर्स को लेकर ये मांग है। टैक्स कलेक्शन में उछाल से सरकार उत्साहित, अगले साल ITR फॉर्म में कर सकती है बदलाव। अगले साल AGS कारों की बढ़ सकती है मांग, मारुति को अच्छी बिक्री की उम्मीद है। FD पर और बढ़ा ब्याज, HSBC बैंक ने ग्राहकों को दी सौगात। बाजार में जारी रहेगा कोरोना का कहर, एक्सपर्ट्स बोले अगले सप्ताह भी मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। बाबर आजम ने हासिल की बड़ी उपलब्धि, अलग रिकॉर्ड बनाने वाले बने पाकिस्तान के पहले बल्लेबाज। बॉक्सिंग डे टेस्ट में साउथ अफ्रीका पहली बार 189 पर सिमटी, कैमरून ग्रीन ने झटके 5 विकेट, 6 खिलाड़ी दहाई तक नहीं पहुंचे।
मीरपुर टेस्ट में अश्विन का अनोखा रिकॉर्ड, द्रविड़ कुंबले सहवाग को पीछे छोड़ा, अब सिर्फ तेंदुलकर से पीछे हैं। शुरू हुआ प्रीमियर लीग का त्यौहार, लिवरपूल को 1000 किलोमीटर दूरी तय करनी होगी। अमेरिका में बर पर पोलो की वर्ल्ड चैंपियनशिप, बच्चों की टीम ने अपने पेरेंट्स की टीम को हराया। साठ दिन का हो सकता है आईपीएल, 74 दिन की विंडो उपलब्ध नहीं। केएल राहुल के लिए रहा ब्लैक ईयर 2022, दिनेश कार्तिक ने टीम में जगह लेकर चेताया। मोहम्मद रिजवान का बुरा वक्त, शुरू टीम से हुआ बाहर, बाहर दिग्गज कप्तान की वापसी। बीसीसीआई के खिलाफ टीम इंडिया का खिलाड़ी, सोशल मीडिया पर की हरकत से मुश्किल में फंसा। पाकिस्तान के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड, टेस्ट क्रिकेट में पहली बार अलग तरीके से पाकिस्तान को दो बैटर आउट हुए। निशा शर्मा केस में उठी एसआईटी जांच की मांग, एआईसीडब्ल्यूए प्रेसिडेंट ने कहा सेट पर डर का माहौल। गर्लफ्रेंड सबा और बेटों के साथ ऋतिक ने मनाया क्रिसमस, शेयर की यूरोप वेकेशन की तस्वीरें, यूजर्स बोले बच्चे अपनी स्टेप मॉम के साथ घूम रहे हैं। बेहद हॉट लुक में नजर आई काजोल, अजय देवगन की बेटी निशा सैफ अली खान के लाडले संग कर रही थी पार्टी। विक्की के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए विदेश रवाना हुई कैटरीना कैफ, एक्ट्रेस ने एयरपोर्ट पर की बड़ी गलती। बिग बॉस 16 के एक्स कंटेस्टेंट मान्या सिंह ने बदन पर रंग पोतकर मुंबई की सड़कों पर किया वॉक, वायरल हुआ वीडियो। शूटिंग के दौरान बिगड़े हिमांशी खुराना की तबीयत, अस्पताल में हुए भर्ती। आलिया भट्ट ने शेयर की क्रिसमस सेलिब्रेशन के इनसाइड फोटोज, भट्ट कपूर फैमिली के साथ की पार्टी, आलिया को किस करते दिखे रणबीर। जानवी के रूमर्ड बॉयफ्रेंड के साथ दिखे पापा, बोनी कपूर अनिल कपूर के बर्थडे पार्टी में आए शिखर, पेपरोजी के सामने एक साथ दिए पोज। कंट्रोवर्सी के बीच पठान के ओटीटी राइट्स बिके, अमेजॉन प्राइम के साथ हुई 10 करोड़ में डील, विवादों में नहीं पड़ा कोई असर। खरड़कोंद्रा के लिए सेंटा क्लॉज बनी तेजस्वी, प्रकाश वीडियो कॉल पर किया डांस, फैंस ने बताया क्यूट। शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस